नमस्कार, स्वागत है आपका फिवर्णा हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं एक नया निबंध। किसके द्वारा रचित? वही जिनका परिचय अपन कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज अपन नंद दुलारी वाजपेयी द्वारा रचित निबंध का अध्ययन करेंगे। और नंद दुलारे वाजपेयी ने जो निबंध लिखे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, बहुत ही सुंदर निबंध है। गुड विचार उन निबंधों में अपने को मिलेंगे। और इनका आज की क्लास में अपन जो निबंध शुरू करने जा रहे हैं वो है साहित्य और सामाजिक प्रगति। साहित्य और सामाजिक प्रगति, ये निबंध आज की क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं। क्या है इस निबंध में? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, साहित्य और समाज आपस में किस रूप में जुड़े हुए हैं। और अच्छी बात तो ये है कि निबंधकार शुरू भी निबंध को इसी लाइन से करते हैं। कौन सी? कि साहित्य व समाज में क्या संबंध है। तो ये कहते हैं, सबसे पहले तो प्रश्न उठाते हैं और ये यूं कहते हैं कि भाई साहित्य व समाज में क्या संबंध है। ये कहते हैं कि ये प्रश्न पेचीदा दिखता है परंतु उसका अर्थ आसान है, सरल सार्थ है। सरल दिखता है परंतु अर्थ पेचीदा है, दोनों ही प्रकार की बातें हैं। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? देखिए, साहित्य समाज का दर्पण है ये अपन कहते हैं, मानते हैं। साहित्य समाज से प्रेरित होता है ये भी अपन जानते हैं। साहित्य समाज से प्रेरित होता है क्यों? क्योंकि आजकल कोई राजा रानी की सामंतवादी व्यवस्था का चित्रण करेगा तो शायद कोई उतना पढ़ना नहीं चाहे। हाँ, अगर उसको रुचिकर रूप में बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है तो कुछ हद तक लोग पढ़ लेंगे, परंतु पढ़ना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आज परिस्थितियां बदल चुकी है। लोग यूं सोचते हैं कि भाई ऐसी व्यवस्था अब न है न आगे आएगी, तो अपन उससे संबंधित क्यों जुड़े। तो समाज में जो घटित तो होता है, अब वर्तमान यदि राजनीति से संबंधित कोई भी रचना है उसको लोग ज्यादा पढ़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे कि हाँ इसमें क्या नया लेखक ने दिया है। तो साहित्य व समाज एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेखक यूं कहता है कि ये हम जानते हैं कि भाई साहित्य समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि कवि जो भी है वो कोई ऐसे थोड़ी ना है कि आसमान से उतर कर आता है, भगवान उसे उतारता है कि जा भाई कोई रचना करके और फिर वापस मेरे पास आ जा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो कवि भी क्या होता है? समाज का ही अंग होता है, समाज का अंग होता है। तो समाज का अंग होने पर समाज का प्रभाव उस पर पड़ता है, समाज उसे जिस प्रकार से प्रभावित करता है उसके विचार भी उसी ओर जाते हैं। तो इसलिए अब ये समाज का अंग है तो जाहिर सी बात है कि समाज उसे प्रभावित करेगा, और समाज उसे प्रभावित करेगा तो ये समाज से संबंधित अपने विचार व्यक्त करेगा, या समाज की परिस्थितियों से संबंधित, तत्कालीन परिस्थितियों से संबंधित विचार व्यक्त जरूर करेगा। तभी तो कहा जाता है कि जहां पर क्षत्रिय लोग तलवार के माध्यम से देश हित में योगदान देते हैं, उसी प्रकार से कवि अपनी कलम से साहित्य में योगदान देता है या देशभक्ति में योगदान देता है। क्यों? क्योंकि वह तत्कालीन परिस्थितियों को उजागर करता है। यदि हमारे अंदर कोई विसंगति है, विषमता है, तो उसका भी उद्घाटन करके हमें अवगत करवाता है कि भाई तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारी दिशा गलत है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि समाज, हम जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, कवि भी समाज का ही अंग है, तो जाहिर सी बात है सामाजिक व्यवस्थाओं का प्रभाव उस पर पड़ेगा और साहित्य में वो सारी चीजें आएगी। तो ये प्रश्न क्यों किया गया, प्रश्न की क्या आवश्यकता है? लेखक स्वयं कहते हैं कि जब हम जानते हैं तो ये प्रश्न क्यों किया गया। ये कहते हैं कि भाई ये प्रश्न
इसलिए किया गया क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए तो ये प्रश्न अत्यंत विशिष्ट हो जाता है, अत्यंत विशिष्ट हो जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, ये हमें उससे बताना है या उसे बताना है, उसे महसूस करवाना है कि भाई साहित्य संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करता है, किसी एक अंग का नहीं। कैसे? आप किसी व्यक्ति से यूं पूछा गया भाई कि आप एक कवि था, उस कवि से और एक पत्रकार ने जाकर कहा कि जी आप मोदी जी की प्रशंसा कीजिए, आप मनमोहन सिंह जी की प्रशंसा कीजिए। उस व्यक्ति का जवाब था कि भाई हम कवि हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के भांड नहीं है जो हम हर किसी की प्रशंसा करते घूमेंगे। तो ये बात विद्यार्थियों को या साहित्यकार को समझनी होगी, नई युवा पीढ़ी को समझनी होगी कि भाई साहित्य बहुत बड़ा है, राजनीति मात्र उसका एक अंग है। साहित्य में राजनीति आती है, धर्म आता है यानी धार्मिकता आती है, ऐतिहासिकता आती है, पौराणिकता आती है, सारी की सारी चीजों का समाहन किया जाता है, अर्थशास्त्र से संबंधित भी साहित्य लिखा जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आती है, तो मात्र इस, ये तो छोटा सा पार्ट है, पार्ट ऑफ लिटरेचर, ये तो सिर्फ साहित्य का पार्ट है, अंग है। ये साहित्य को निर्धारित नहीं कर सकती कि साहित्य कौन सी दिशा लेगा। अब लेखक कहता है कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात भी क्यों बताई जा रही है भाई आपको कि भाई साहित्य राजनीति का पार्ट नहीं है। ये इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हमने कुछ परिस्थितियां झेली है और कुछ परिस्थितियां हमारे साहित्य को इस हद तक जकड़ चुकी है कि ये प्रश्न या ये चीज एहसास कराना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। कैसे? आप मार्क्स को याद कीजिए, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जंजीरों के, और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। मार्क्स ने ये बात कही है और मार्क्स की इस विचारधारा से संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ, संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ। अच्छी बात है, कवि भी उसके पीछे दौड़ पड़े। तो कि अब मार्क्स के जो विचार है उनको अपन क्या कहते हैं, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद कोई तोप नहीं है, मार्क्स के विचार ही हैं। अब कुछ बच्चे हैं वो मार्क्सवाद और मार्क्स में अंतर नहीं समझ पाते, तो मार्क्स एक व्यक्ति का नाम है, उसके जो विचार थे वो मार्क्सवाद कहलाए। तो यहां पर ये जो मार्क्सवाद है इसका, अब ये तो एक वाद मात्र है। नंद दुलारी जी कहते हैं कि इस प्रश्न की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि साहित्य एक इतनी छोटी चीज नहीं है कि किसी वाद को लेकर ही आगे बढ़े और वाद के ही विषय में चलता रहे। इन चीजों से हमें बचना होगा। साहित्य में जहां इस वाद से संबंधित प्रसंग आएंगे, गुण दोष बता दिए जाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं है कि भी उसी अंग से संबंधित अपन नारे लगाने लग जाएं, उसी अंग के पीछे, उस अंग का चाहे दोष हो चाहे गुण हो हमें मतलब ही नहीं है, हमें उसके नारे लगाने हैं, हमें उसको आगे लेकर जाना है। बिल्कुल नहीं, यही यहां पर मतलब है वाजपेयी द्वारा ये निबंध लिखना। वाजपेयी जी ने इस निबंध को इसीलिए लिखा, क्यों? क्योंकि प्रगतिवाद, मार्क्सवाद किस समय था साहित्य में? प्रगतिवाद के समय था। प्रगतिवाद कब था? छायावाद के तुरंत बाद था। और परिचय पढ़ाया, कल की क्लास अपनों ने देखी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के शीर्षस्थ आलोचक माने जाते हैं, उत्कृष्ट आलोचक माने जाते हैं। तो उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो छायावाद के तुरंत बाद ही यदि अपन आधुनिक काल ले तो पहले तो कौन सा युग आता है? भारतेंदु युग आता है। और उसके बाद कौन सा आता है? द्विवेदी युग, जो किससे प्रेरित है? महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरित है। और भारतेंदु द्विवेदी, उसके बाद कौन सा आता है? छायावाद आता है। और छायावाद के तुरंत बाद कौन सा आ जाता है? प्रगतिवाद।
तो जाहिर सी बात है कि जब ये इसके उत्कृष्ट आलोचक थे तो उसके ही कुछ कवि का मतलब जिसके ये कट्टु समर्थक थे, जिनका प्रभाव इन पर था, जिनका ये बहुत सम्मान करते थे, कौन? पंत व निराला। अब पंत और निराला जी जो है वो छायावादी थे, प्रसाद पंत निराला तीनों छायावादी थे, और आगे जाकर पंत और निराला दोनों प्रगतिवादी हो गए थे। दोनों मार्क्स, अबे सुन बे गुलाब, तूने क्या पाया रंगो आप, खून चूसा खाद का कैपिटलिस्ट। अब ये बातें किसने कही? निराला जी ने कही। किसके संबंध में, किसके पक्ष में कही? तो मार्क्सवाद के पक्ष में कही। उन्होंने भी मजदूरों का पक्ष लेते हुए पूंजीपति वर्ग को नकार दिया। तो इस प्रकार से यूं कहते हैं कि भाई साहित्य एक बहुत बड़ी चीज है, साहित्य एक पवित्र चीज है, उत्कृष्ट चीज है, इसकी पूजा करो, और इसमें हर एक चीज से संबंधित अपने हृदय को खोल कर रख दो। हृदय को खोल कर रखने का मतलब है कि आज कोई भी परिस्थिति है, मान लीजिए कि आप, हाँ ये राजनीतिक परिस्थितियां थी, मार्क्सवाद राजनीतिक, हमारे यहां भी एक मार्क्सवादी पार्टी बन गई थी, राजनीतिक पार्टी बन गई थी, कोई बुराई नहीं है, मजदूरों को मजदूरों के हित मिलने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। यहां पर जो वाजपेयी जी है वो ये नहीं है कि मार्क्सवाद के विरोधी थे, मार्क्स का विरोध करना चाहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहते थे भी किसी एक वाद या विचारधारा के पीछे साहित्य नहीं चलना चाहिए। साहित्य मार्क्सवाद का जहां पर चित्रण कर रहा है वहां पर उस समय जो अन्य बातें हैं उनको इग्नोर न करे, उनको तो छोड़ दे और अकेला उसी का नारा लगाने लग जाए, ये बात ये कहना चाहते हैं। यहाँ पर मार्क्सवाद के विरोधी नंदुलारे वाजपेयी नहीं है, वो कहते हैं कि हाँ अच्छी बात है, मजदूरों के हितों की बात हो रही है, परंतु साहित्य प्रगतिशील होना चाहिए, अर्थात साहित्य में एक ही वाद विवाद या एक ही विचारधारा से संबंधित ही नहीं लिखा जाना चाहिए, उसमें उसी प्रकार से परिवर्तन आना चाहिए जैसे समाज में परिवर्तन आता है। जिस प्रकार से समाज विभिन्न चीजों से प्रेरित होता है, साहित्य भी विभिन्न चीजों से प्रेरित होना चाहिए, और साहित्य को अपना उत्कृष्ट उद्देश्य निभाना चाहिए, उत्कृष्ट लक्ष्य लेकर चलना चाहिए। कौन सा लक्ष्य? पूरे समाज के प्रतिनिधित्व का लक्ष्य। तो ये नहीं है कि हम एक वाद विचारधारा से प्रेरित हुए और उसका पूंछ पकड़कर चल दिए। यहां पर अपने को पूरा का पूरा समाज, जो कवि या लेखक होते हैं उनके कंधों पर इतना बड़ा दायित्व होता है कि राजनीतिज्ञों पर भी नहीं होता। राजनीतिज्ञों को हो सकता है कि थोड़ी बहुत संकुचित मानसिकता प्रभावित कर दे, परंतु कवि यदि संकुचित मानसिकता से प्रभावित हो गया तो पूरा समाज उससे प्रभावित होगा, देश प्रभावित होगा, विचारधाराएं प्रभावित होगी। तो इसलिए जो कवि है, जो साहित्य है, उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वो यूं कहते हैं कि भी साहित्य प्रगतिशील होना चाहिए। प्रगतिशील का मतलब है कि जिस जिस प्रकार से समाज में परिवर्तन आ रहा है वैसे वैसे साहित्य में भी परिवर्तन आना चाहिए, साहित्य की विचारधाराओं के स्वरूप में भी परिवर्तन आना चाहिए। ये कहते हैं कि कुछ कवि और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके विचार ऐसे थे कि उस समय के विचार थे, उस समय की परिस्थितियों से संबंधित विचार थे, परंतु आज भी खरे उतरते हैं। याद कीजिए कबीर को, याद कीजिए सूर को, याद कीजिए तुलसी को। अब तुलसीदास जब ये कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावे, ते नर मोहि सपने उन्हीं भावे, ये बात आज भी प्रासंगिक नजर आती है, आज भी ये बात है वो सटीक दिखाई देती है। आज भी विचारधाराओं में जिस प्रकार का विष फैला हुआ है, उस विष को समाप्त करने के लिए तुलसी की हमें आज भी आवश्यकता पड़ जाती है।
तो लेखक यूं कहते हैं कि भाई इस प्रकार से आपका उद्देश्य होना चाहिए कि वो संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करे, और संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रगतिशील विचार यदि कवि प्रकट करता है तो उसको युगों युगों तक याद रखा जाएगा, युगों युगों तक उसकी प्रशंसा की जाएगी और उसके विचार युगों युगों तक जीवंत बने रहेंगे। तो आज की क्लास में अपनों ने शुरू किया है नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा रचित निबंध, बहुत ही सुंदर निबंध है, परंतु आज की क्लास में इतना ही। पढ़ेंगे अगली क्लास में, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।